हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत 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 आपके अपने चैनल ट्यूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारी देने वाले हैं जो कि हमेशा ही न्यूज में रहता है, कभी अच्छे कामों के लिए तो कभी लोकतंत्र की हत्या करने के लिए। एक ऐसा देश जहाँ पर सबसे ज्यादा लुंगी पहनी जाती है, और तो और यहाँ की महिलाएं भी सारी से ज्यादा लुंगी पहनना ही पसंद करती है। दोस्तों, हम सब चाय पीते हैं, लेकिन इस देश में चाय को खाया जाता है। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होते हैं। कहने का मतलब ये कि इन्हें अपने देश से कोई लेना देना नहीं होता, ये तो बस अपनी लाइफ देखते हैं। यहाँ के एक फेस्टिवल जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है, उसमें इस देश के लोग पानी में भी आग लगा देते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी मुल्क म्यांमार की, तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं म्यांमार के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस देश का नाम है रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार। हालांकि म्यांमार को बर्मा भी कहा जाता है। जनसंख्या के मामले में ये दुनिया का 26वां सबसे बड़ा देश है। म्यांमार साउथ एशिया का एक छोटा सा देश है जिसके उत्तर पश्चिम दिशा में भारत और बांग्लादेश है, तो उत्तर पूर्व में चीन, वही दक्षिण पूर्व में लाओस और थाईलैंड देश है। इस देश को युवा देश कहा जाता है क्योंकि फिलहाल इस देश की कुल जनसंख्या का औसतन उम्र है 29 साल। दोस्तों, कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि म्यांमार देश को कभी वर्मा कहकर पुकारा जाता है तो कभी म्यांमार। आपको बता दें कि जब तक इस देश में अंग्रेजों का राज था, तब तक इस देश को वर्मा के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश चले गए वैसे ही इस देश का नाम बदल दिया गया, क्योंकि यहाँ की रूलिंग पार्टी का कहना था कि वो किसी भी ब्रिटिश शासन के समय पड़े नाम को कभी भी मान्यता नहीं देने वाले, और फिर साल 1989 में वर्मा का नाम बदल दिया गया। देश की तरह म्यांमार की राजधानी का भी नाम बार बार बदला गया। सबसे पहले राजधानी का नाम था रंगून, उसके बाद इसका नाम बदल कर रख दिया गया यांगून, और आजकल इस देश की राजधानी का नाम है नेपिडाव। इस देश में जवान लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि यहाँ के लोगों को काम चोर कहा जाता है। जी हाँ, ये लोग बहुत ही आलसी होते हैं और दुनिया के सबसे आलसी देशों में इसे गिना जाता है। काम के नाम पर यहाँ सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही होती है, मतलब ये कि यहाँ पर युवा सिर्फ प्लानिंग ही करते हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं करता। वाकई में ये बहुत दुख की बात है एक जवान मुल्क के लिए। आपको बता दें कि म्यांमार और देश का हाल भी पाकिस्तान जैसा ही है। यहाँ पर इलेक्शन तो होते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, डेमोक्रेसी तो है लेकिन सिर्फ नाम के लिए। अभी हाल फिलहाल में आपने सुना ही होगा कि यहाँ पर कैसे इलेक्शन जीती महिला प्रेसिडेंट को हटाकर सेना ने देश अपने कंट्रोल में ले लिया। यहाँ कुछ शक्तिशाली लोग चाइना के बहुत करीबी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरह की हरकतें होती रहती है। ये आज से नहीं, लेकिन जब से म्यांमार आजाद हुआ है तब से कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। म्यांमार में गाड़ी चलाना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन इसके पीछे बहुत ही वैलिड रीजन है। इस देश में सबसे पहले नियम बना ही रस्ते के बाईने तरफ गाड़ी चलाई जाएगी, लेकिन अचानक ही 1970 में इसे बदल दिया गया, जिसकी वजह से जो भी गाड़ी जिसमें लेफ्ट साइड ड्राइविंग थी उसे बैन कर दिया गया। बताइए, म्यांमार के लोगों के बीच में लुंगी पहनना सबसे कॉमन है। जी हाँ, यहाँ तो हर दूसरा इंसान आपको लुंगी पहनकर घूमता दिख जाएगा। यहाँ के लोगों का मानना है कि लुंगी से ज्यादा कंफर्टेबल ड्रेस कुछ है ही नहीं, और साथ ही साथ वेंटिलेशन के लिए ये परफेक्ट ड्रेस है। दरअसल ये यहाँ का कल्चर है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आप लुंगी पहनते हैं तो आपका काम फटाफट बनता है। इतना ही नहीं, आजकल तो ऑफिसेज में भी लुंगी पहनकर ही लोग जा रहे हैं। दुनिया भर की बात करें तो ये देश खाने के मामले में बहुत सस्ता है। आप यहाँ के बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में 100 रुपए के अंडर जी भर कर खाना खा सकते हैं। इतना ही नहीं, कई रेस्टोरेंट में आपको दो समय का खाना भी देता है सिर्फ 100 रुपए में ही, वो भी बहुत ही अच्छा। दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर में चाय को पी जाती है, लेकिन म्यांमार के लोग चाय को खाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल बात यह है कि यहाँ की नेशनल डिश ही चाय की पत्ती से बनती है, जिसका नाम है लहपेट थोहक। इसमें पत्ती को सड़ाया जाता है और उसके बाद खाया जाता है। कहा जाता है कि ये ना सिर्फ स्वाद में उत्तम है बल्कि आपके सेहत के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। जब खाने पीने की बात हुई है तो आपको ये भी बता दूं कि म्यांमार दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ का अपना नेशनल बियर है। जी हाँ, इस बियर को म्यांमार बियर कहा जाता है। आप जब भी म्यांमार जाएं तो ये बियर जरूर पिए, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अलग होता है। वैसे भी म्यांमार में 90% जगहों पर आपको म्यांमार बियर ही मिलेगी। आपको बता दें कि इस देश का नेशनल गेम है छिनलोन, जो कि बिल्कुल फुटबॉल से मिलता जुलता है। हालांकि इस गेम को एक बड़े से सर्कल के अंदर 6 खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं। जैसे फुटबॉल में जगलिंग करते हैं, वैसे ही इस गेम में भी बॉल के साथ
जगलिंग की जाती है। बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर इस गेम को देखने के लिए। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि म्यांमार में काउ यूरिन थेरेपी का इस्तेमाल होता है? मतलब कि यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो कि गाय की यूरिन का यूज अपने आप को ठीक करने के लिए करते हैं। ये सीधे गाय की यूरिन को पीते हैं क्योंकि इनका मानना है कि ये हर तरह की बीमारी ठीक कर देते हैं। बात तो यहाँ तक की जाती है कि यहाँ के 50% लोग सुबह सुबह गाय की यूरिन से अपनी आंखों को साफ करते हैं ताकि इन्हें कभी आंखों की परेशानी न हो। म्यांमार का सबसे बड़ा इनकम सोर्स है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और मछली पकड़ना। यहाँ की 40% आबादी किसान है। यहाँ तरह तरह के अनाज उपजाए जाते हैं और कई ऐसे देश है एशिया में जहाँ इन अनाज को एक्सपोर्ट किया जाता है। साथ ही देश नेचुरल गैस का भी निर्यात करता है थाईलैंड को। वही एक बात जो सामने आई है वो ये कि इस देश को चीन का सपोर्ट करता है और यही वजह है कि इनकी इकॉनमी बची रहती है, लेकिन चीन के ही कहने पर कई बार इस देश में तख्ता पलट हो जाता है। बात तो सही है क्योंकि चीन किसी देश की तब तक मदद नहीं करता जब तक कि उसे उससे कोई फायदा न मिले। म्यांमार के लोगों के बीच में फिशिंग का धंधा भी बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है साहब। जी हाँ, न सिर्फ अपने देश में बल्कि यहाँ के लोग मछली पालन करके देश के बाहर भी निर्यात करते हैं। सबसे ज्यादा इस देश में फिश की सप्लाई न्यूजीलैंड में की जाती है। साथ में यहाँ के राइस का भी निर्यात दुबई में किया जाता है। एक बड़े फेमस वेबसाइट के मुताबिक म्यांमार घूमने के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बेहतरीन देश है। यहाँ पर तभी तो लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं और इसीलिए टूरिज्म भी इस देश की जीडीपी में बड़ा योगदान देता है। म्यांमार की 89% जनता बौद्ध धर्म को मानती है। भारत से शुरू होकर बौद्ध धर्म आज पूरी दुनिया में फैल गया है, लेकिन म्यांमार में उसके अनुयायी बहुत ज्यादा है। आपको यहाँ पर हर जगह ही भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिल जाएगी। यहाँ पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत भगवान बुद्ध के मंदिर है जहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस देश में 89% लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं, लेकिन लगता है कि उनके दिखाए गए रास्ते पर चलना इनके बस की बात नहीं। दरअसल यहाँ पर हद से ज्यादा आंदोलन होते हैं। म्यांमार में हिंसा बहुत ज्यादा है और साथ ही यहाँ पर एक दूसरे को चूना लगाने के काम भी खूब होते हैं। कहने का मतलब यह है कि म्यांमार देश में बहुत सारी ऐसी चीज है जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर खुलेआम होती है और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। एक चौंकाने वाली बात जो म्यांमार देश के बारे में है वो ये कि इस देश की 30% महिलाएं शादी नहीं करती। उन्हें शादी जैसे रिश्ते पर विश्वास ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ के बहुत सारे पुरुष भी शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहते। दोस्तों, म्यांमार की महिलाओं के गाल पर आपको हमेशा ही एक खास क्रीम लगी हुई मिलेगी। 24 घंटे ये क्रीम महिलाओं के गाल पर दिखेगी। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ की महिलाएं अपने आप को हमेशा धूप से बचाकर जो रखना चाहती हैं। और साथ ही साथ उनका मानना है कि इस क्रीम को बनाने के लिए जिस पेड़ का इस्तेमाल किया जाता है उससे आपकी स्किन हमेशा जवान रहती है। दोस्तों, हमारे देश में तो हाथों में चूड़ियां पहनी जाती है, लेकिन म्यांमार में महिलाएं अपने गर्दन में चूड़ियां पहनती हैं। यहाँ की महिलाओं का मानना है कि जिसके जितनी लंबी गर्दन होती है वो उतनी सुंदर लगती है दिखने में। वाकई में बहुत ही कमाल की सुंदरता है और यहाँ की महिलाएं 5 साल की उम्र से ही ये चूड़ी अपने गर्दन में पहनना शुरू कर देती है। एक चीज और जिसकी वजह से म्यांमार का बुरा हाल है वो है शोषण। इस देश में बहुत घोटालेबाज लोग रहते हैं। यहाँ पर आपको हर काम के लिए टेबल के नीचे से पैसा सरकाना होता है। यहाँ पर लोग सरकारी नौकरी ही अलग से पैसा कमाने के लिए करते हैं। इनका मानना है कि अगर कोई सामने से दे रहा है तो हमें लेने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 2012 में इसे दुनिया का सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश कहा गया था। म्यांमार में रेगिस्तान के अलावा सब कुछ है। सब कुछ बोले तो यहाँ की भौगोलिक खूबसूरती बेजोड़ है। पहाड़ियों की श्रृंखला, झरने और झील यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। ये बात सच है कि नेशनल ब्यूटी के मामले में इस देश की बात ही अलग है। अगर इसे अच्छे से देखरेख किया जाए तो इस देश को दुनिया का बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ की तो बात ही अलग है साहब। यहाँ तो बस लोग राजनीति करने में ही बिजी हैं। म्यांमार में अप्रैल के महीने में नए साल का स्वागत किया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि म्यांमार में वाटर फेस्टिवल मनाकर लोग नए साल का स्वागत करते हैं। ये यहाँ का सबसे पॉपुलर फेस्टिवल है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं और मस्ती करते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े फुव्वारे लगाए जाते हैं और उसके बाद लोगों की मस्ती शुरू होती है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ के लोग खूब पानी में मस्ती करते हैं। वैसे दोस्तों, इस फेस्टिवल को देखने के लिए बाहर देशों से भी लोग आते हैं। म्यांमार में HIV एड्स की बीमारी बहुत ज्यादा संख्या में फैली हुई है। यहाँ की महिलाएं बहुत सारे गलत कामों में भी इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इस बीमारी को बढ़ने से रोकने में यहाँ की सरकार पूरी तरह से नाकाम रहती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस। बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो आपको वीजा 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। म्यांमार घूमने के लिए 6 से 8 दिन में लगभग 30,000 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, म्यांमार की करेंसी म्यांमार क्या जिसकी वैल्यू है लगभग 0.042 भारतीय रुपीस। और दोस्तों, ये था म्यांमार। तो कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट किया इस
देश की, और अगर की है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।